वेलकम बैक टू माई चैनल राणा ममता व्लॉग। और आज मैं फिर लेके आई हूँ रीयूज़ वीडियो। तो इस बार मैंने सिर्फ साड़ी को ही रीयूज़ नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने रीयूज़ करके ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या यूज़ किया है इस वीडियो में। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ बस सिर्फ साड़ियाँ होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसे यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फर्स्ट यूज़ है मैंने जो साड़ी से किया है वो मैं दिखाती हूँ। ये थी हमारी मम्मी की साड़ी और ये वो कुछ इस तरह का था और ये वो पहन ही रहे थे। तो मैंने इसका प्लेन कुर्ती बनाया है, एक लाइन कुर्ती बनाया है और इसमें थोड़ा सा चूड़ीदार स्लीव दिया है मैंने। बिल्कुल प्लेन है गाइस, देख सकते हो। बस इसमें मैंने ये पोटली बटन यूज़ किया है नेक में एज अ डिज़ाइन और स्लीव वगैरह भी बिल्कुल प्लेन है। तो आप आजकल जैसा कि सिफन जॉर्जेट का जो कुर्तीज हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस तरह का प्लेन कुर्ती बना सकते हैं और ये गर्मियों में भी बहुत ही हल्का होता है पहनने में। तो मैंने इस तरह से बनाया है और इसमें कॉटन की लाइनिंग दी है। तो बस मैंने इस तरह से बना के इसे जो ऊपर का साड़ी के ऊपर की पार्ट है और साइड का पार्ट जो स्टार्टिंग में टक करते हैं उस पार्ट से मैंने ये पूरा बना लिया है प्लेन कुर्ती। तो चलिए देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। कुर्ती बनाया है जो कि फ्रंट स्लाइड है और साइड से भी स्लाइड है, ये देख सकते हैं। और वैसे यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड बटन लिया है और इसे लगाया है और बिल्कुल ये नीचे मैंने इसे लाइनिंग नहीं दिया है, ये आधे में ही लाइनिंग है ऊपर की पार्ट। इस तरह का देख सकते हो गए आजकल बहुत लोग पहन रहे हैं जीन्स पे, स्कर्ट पे, कुर्ती पे। तो आप इस तरह से एक ज़रूर ट्राई करें। तो जो मैंने नीचे का पार्ट था और आंचल का पार्ट था वो मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इसमें जो बूटियां हैं वो आए हैं और साथ ही साथ मैंने इसमें एक प्लाजो भी निकाला है जिसमें जो डिज़ाइन था साड़ी का, मैंने लेस तो रिमूव कर दिया था बट मैंने इसे प्लाजो में लगाया है। और देख सकते हैं इसका जो पूरी साड़ी में जो आधी पार्ट नीचे वाली थी उसको मैंने इसे नीचे डिज़ाइन लगाया है। तो इस तरह से मैंने इस साड़ी से एक कुर्ती, एक श्रग बोल सकते हैं श्रग, और एक प्लाजो मैंने निकाला और मेरा सारा जो साड़ी था वो यूज़ हो गया। हाँ उसमें थोड़ा कपड़ा बचा है जिससे अगर मैं चाहूँ तो इस श्रग में स्लीव अटैच कर सकती हूँ, इतना कपड़ा मेरे पास अभी भी बचा है। तो देखिए ओवरऑल लुक इसका कैसा आता है। बात करते हैं नेक्स्ट रीयूज़। तो नेक्स्ट रीयूज़ मैंने किया है दुपट्टे से, जो मेरा दुपट्टा कुछ इस तरह का था और मैंने उसका एक ये श्रग काफ्तान कुर्ती बोल सकते हैं, काफ्तान कुर्ती मैंने स्टिच किया है, देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बीच में बांधने के लिए डोरी दी है और वी शेप में इसका गला रखा है।
गैस ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ्तान कुर्ती। तो आप अपने जो दुपट्टाज हैं जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास बॉर्डर वाली है दुपट्टा तो वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का कुर्ती अगर आप स्टिच करवाते हो तो वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो प्लीज़ अपने वार्डरोब से अपना दुपट्टा निकालें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसे इस तरह के यूज़ मिला है। तो चलिए देखते हैं ये कुर्ती आखिर बन के कैसा तैयार हुआ। और इसमें एक स्लिप भी लगाया है मैंने। तो इस तरह से आप अगर अपने शर्ट को यूज़ करते हैं तो बहुत ही प्यारा टॉप बन के तैयार होता है। और इस तरह से आप बहुत तरह के डिज़ाइंस का शर्ट का टॉप बना सकते हैं। तो ऐसे मैं दिखा रही हूँ इसका लुक कैसा आया पहन के। और एक और मैं आपको शर्ट का टॉप बताती हूँ जो मैंने बनाया था, बट अभी मेरे पास नहीं है तो मैं पिक लगा दूँगी, देख लेना कि वो कैसा मैंने बनाया था और इस शर्ट का कैसा लुक आता है पहन के, मतलब टॉप का। कैसे बना सकते हैं ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आप इस तरह का फ्लावर साड़ी में, ब्लाउजेज में, लहंगे में, दुपट्टे में इस तरह से लगा सकते हैं, ये काफ़ी प्यारा लगता है। तो देख सकते हैं, तो आप इसे बचे खुचे कपड़ों से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करें और हमें बताएं कि आपने क्या यूज़ किया और आपको कौन सा रीयूज़ सबसे अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी पता चले उन्हें कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।